जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पे 20 मिनट फंसे थे तब पंजाब का एक पुलिस अधिकारी 11 कॉल करता है। पंजाब डीजीपी ने क्या पीएम की जान खतरे में डाली? डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पे सबकी निगाहें हैं। पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रुका और 48 मिनट में 11 कॉल करके डीजीपी ने क्या स्पीड जवानों को गुमराह करने का प्रयास किया? ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप देखें कि एसपीजी कमांडो उस दौरान हथियार लिए इधर उधर घूमकर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब पुलिस और उस दौरान वहां के कप्तान चाय पीने में व्यस्त थे। क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत हैरान करने वाला है। घटना के बाद भी पंजाब पुलिस मामले में धूल डालने की कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस ने 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। हैरानी की बात है कि धारा 283 लगाई गई है, जिसका मतलब होता है छोटा मोटा विरोध करना या सड़क को जाम करना, जबकि पीएम की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। 200 रुपए जुर्माने वाली धारा लगाकर पंजाब पुलिस ने साफ साफ बता दिया है कि पीएम मोदी की जान असुरक्षित करने वाली पंजाब पुलिस ही है। यानी घटना से पहले घटना के बाद दोनों चेहरा डीजीपी का दिख गया। पीएम मोदी के काफिले में पंजाब डीजीपी की गाड़ी थी, लेकिन पंजाब के डीजीपी मौजूद नहीं थे। पीएम मोदी के काफिले में मुख्य सचिव की गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जब फ्लाईओवर पे पीएम मोदी फंस गए तो डीजीपी कॉल कर एसपीजी से बात करते रहे। 48 मिनट में 11 बार कॉल पे बात हुई, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अब आगे क्या करना है। एसपीजी ने इस बीच अपनी पोजीशन ले ली थी, अगर कुछ होता तो गोली चलाना ही होता। पंजाब कांग्रेस पीएम मोदी की इस घटना को मोदी का ड्रामा बताकर मजाक बना रही है, जबकि एसपीजी ने पंजाब डीजीपी को पहले ही बता दिया था कि पीएम मोदी की रैली पे खतरा है। मौसम खराब होने के कारण पीएम का काफिला सड़क से गया, पंजाब के डीजीपी नहीं पहुंचे, तभी शक हो गया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। यानी शासन से लेकर प्रशासन तक पीएम को खतरे में डाल दिया गया। अब आपको समझाते हैं कि पंजाब के डीजीपी पर ही शक क्यों जाता है, इसकी एक गहरी कहानी है। पहली वजह, डीजीपी की ओर से रूट क्लियर होने का ग्रीन सिग्नल मिला, उसके बाद ही प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते रवाना हुए थे, लेकिन आगे सड़क को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा था, जिससे साफ पता चलता है कि डीजीपी एसपीजी कमांडोज को गुमराह कर रहे थे। दूसरी वजह, अगर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था तो उन्हें समय रहते हटाया क्यों नहीं गया? पीएम का काफिला फ्लाईओवर में 20 मिनट तक फंसा था, इतनी देर में अतिरिक्त फोर्स क्यों नहीं बुलाई गई? तीसरी वजह, प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले पूरा प्लान तैयार होता है। पीएम को सुरक्षित निकालने के लिए कंटेजेंसी प्लान भी तैयार किया जाता है, एक वैकल्पिक रास्ता भी तय होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू को गांधी परिवार हमेशा शह देता रहा है, जिसके दम पे सिद्धू पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए, फिर सिद्धू ने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को किनारे लगाया, फिर अपनी पसंद के अधिकारी बड़े ओहदों पर बैठाए। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय उनमें से एक हैं, और पंजाब में सभी जानते हैं कि डीजीपी चट्टोपाध्याय किसकी सुनते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पीएम मोदी की इस घटना को ड्रामा बता रहे हैं और डीजीपी 48 मिनट में 11 कॉल कर एसपीजी को गुमराह कर रहे हैं। अब डीजीपी ही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है और उनकी कई वजह है जो आपके सामने है। साफ है कि पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौका दिया पीएम मोदी की जान खतरे में डालने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।